अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम अपने चैप्टर निको बॉबिनस की वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सिनोनिम एंटोनिम्स और उसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह को एक पढ़ेंगे। तो यहाँ तक के लेक्चर्स के अंदर आप निको बॉबिनस के चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। उससे आगे अब आपने जो काम अपनी कॉपी पर स्टार्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द टाइटल पेज ऑफ निको बॉबिनस एंड देन यू विल स्टार्ट कॉपिंग डाउन वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सिनोनिम एंटोनिम्स एंड ऑल द अदर एक्सरसाइजेस। तो लेट्स बिगिन विद वर्ड्स मीनिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अजीब, स्टक, बदतमीजी, इन फैक्ट, असल में, वाइल्ड आइडिया, जंगली खतरनाक ख्याल, वीड, पौधे, पुल अप, उखाड़ फेंकना, स्प्रिंटिंग, भागना, स्मैश्ड, टूट जाना, डोंट बी डैफ्ट, बेवकूफ़ मत बनो, बेबल्स, कंकरियाँ, विस्पर्ड, सरगोशी करना, लैमिनेट, लीमू का शरबत, डूम डेज, मुसीबत के वक्त, ग्लूमली, उदास, ट्रिप्ड, ठोकर खाना। अब चलते हैं वर्ड्स एंड एंटोनियम्स की तरफ। येल्ड, शाउट, साइलेंस, इंस्टिगेटेड, इनकरेज, डिस्करेज, ग्राउंड, स्नार्ल्ड, टॉलरेट, अमेज्ड, सरप्राइज्ड, अनसरप्राइज्ड, रिवील्ड, डिस्क्लोज्ड, हाइड, स्क्वर्म, रिगल, डिसेंड, शटर, शेड, ब्राइटन, सडनली, इमीडिएटली, ग्रेजुअली। अब चलते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 11 पर। एक्सरसाइज है हमारी, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा जी, तो हम इसके अंदर स्टार्टिंग क्वेश्चन डी से लेंगे, ठीक है। व्हाट टू थिंग्स डज रोजी सजेस्ट दैट शी एंड निको बॉबिनस शुड डू। रोजी ने निको बॉबिनस को ऐसी कौन सी चीज़ सजेस्ट करी थी कि उन लोगों को वो कर लेनी चाहिए। रोजी सजेस्ट दैट शी एंड निको बॉबिनस शुड पुल अप एवरी वीड ऑन हिज डोर स्टेप एंड डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स। रोजी ने क्या सजेस्ट किया था कि निको बॉबिनस को क्या करना चाहिए, और रोजी को कि हर तरीके के जो प्लांट्स हैं, वीड्स हैं, वो उसके निको बॉबिनस के डोर स्टेप पर जो है वो लगा लेने चाहिए, और उसके बाद क्या करना चाहिए, लैंड ऑफ ड्रैगन्स को डिस्कवर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एफ होगा, हम ई बी स्किप करें। वाई डू दे मीट ऑन देयर जर्नी, से व्हाट हैपन्स एट ईच ऑफ द टू इनकाउंटर्स। अब वो पूछ रहे हैं कि जब वो अपने सफ़र के अंदर दो दफ़ा, हु डू दे मीट ऑन देयर जर्नी, जब वो अपने जर्नी पर थे ड्रैगन्स के एडवेंचर, डिस्कवरी ऑफ ड्रैगन्स की तरफ, तो उन्होंने वो किससे मिले थे, और जब वो दो दफ़ा उनका टाकरा हुआ था तो क्या हुआ। दे मीट द नाइट वॉचमैन एंड अ डॉग ऑन देयर जर्नी, द नाइट वॉचमैन ट्राइज टू स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग ऑन देयर एडवेंचर। रोजी ट्रिप्स ओवर द डॉग एंड इट बाइट्स एट देम अंटिल इट नोटिसेस द बंस एंड स्टार्ट्स टू ईट देम। अभी क्या हुआ था कि निको बॉबिनस और रोजी को जो है वो दोनों दफ़ा नाइट वॉचमैन और उनका डॉग, उसका जो डॉग था वो टकराए थे, और नाइट वॉचमैन ने क्या किया था, वो कोशिश कर रहा था कि उनको उस एडवेंचर पर जाने से रोक सके, लेकिन और हुआ क्या कि रोजी जो थी वो डॉग से जो है वो टकरा गई। उससे एक दफ़ा ट्रिप हुई तो वो डॉग के ऊपर, जिसकी वजह से डॉग ने जो वो बार्क करना स्टार्ट कर दिया था, नाइट वॉचमैन ने लोगों को पकड़ लिया था। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन जैसे ही वो ट्रिप करती है तो वो लोग क्या नोटिस करते हैं, उनके बंस को नोटिस कर लेते हैं, वो जो है वो उसको खाना शुरू कर देता है। हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है जी। हाउ डज निको बॉबिनस एस्केप फ्रॉम द मैन इन द ऑर्चर्ड। जो ऑर्चर्ड के अंदर एक मैन था, उससे निको बॉबिनस किस तरह से छुपा। निको बॉबिनस एस्केप्स फ्रॉम द मैन इन द ऑर्चर्ड बाय डबलिंग हिमसेल्फ अप एंड गोइंग बैकवर्ड्स एज फास्ट एज ही कुड। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रन अवे, सो द मैन्स लेग आर नॉक्ड फ्रॉम अंडर हिम एंड ही लैंड्स इन अ पाइल ऑफ लीव्स, देन ही हाइड्स इन अ शेड। क्या करता है निको बॉबिनस कि अपने आप को डबल करके और पीछे की तरफ, बैकवर्ड की तरफ रोल करना शुरू कर देता है, और वो भागता नहीं है। अगर वो भागता तो फिर क्या होता कि उसकी आवाज़ हो जाती है, शोर हो जाता। उसके बाद क्या होता है, जिस मैन ने उसको ऑर्चर्ड के अंदर देखा था, जिससे वो छुप रहा था, उससे वो बच गया, और वो जो है वो कहाँ पे पाइल ऑफ लीव्स, यानी बहुत सारे पत्तों का पाइल था, उसके अंदर जाके वो छुप गया था। नेक्स्ट एच है हमारे पास। हाउ डज निको बॉबिनस गेट आउट ऑफ द वेल। निको बॉबिनस वेल के अंदर से बाहर कैसे आया। ही स्क्रेम्स थ्रू अ लॉन्ग नैरो पैसेज मेड ऑफ स्टोन। एक बहुत लंबा सा पैसेज बना हुआ था, पतला सा स्टोन का, वो उसके थ्रू जो है वो बाहर निकल आया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। राइट द लाइन्स ऑफ स्पीच बिलो, पुट द नेम ऑफ द स्पीकर आफ्टर ईच वन। ए, आहा, आई हैव गॉट यू नाउ, ये किसने कहा था, मैन ने। लेट्स पुल अप एवरी सिंगल वीड ऑन योर डोर स्टेप, ये किसने कहा था, रोजी ने। इट्स वन ऑफ द बेस्ट आइडियाज आई हैव एवर हैड, रोजी। आओ निको बॉबिनस, ओपन दिस डोर एट वंस, डू यू हेयर द मैन, यू विल थिंक ऑफ समथिंग, रोजी।
अब चलते हैं हम करेक्टर स्केच के ऊपर जो कि निको बॉबिनस का होगा इस चैप्टर के अंदर. निको बॉबिनस वॉज अ चाइल्ड हु लिव्ड इन द सिटी कॉल्ड वीनस. ही वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चाइल्ड हु लव डूइंग एडवेंचर्स. ही कुड डू एनी थिंग ही वॉन्टेड टू डू एंड ऑल्सो नो हाउ टू पुल हिमसेल्फ आउट ऑफ अ सिचुएशन. ही हैड अ बेस्ट फ्रेंड विद वाइल्ड आइडियाज नेम्ड रोजी. ओनली शी न्यू दैट निको बॉबिनस कैन डू एनी थिंग. निको बॉबिनस क्या होता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चाइल्ड होता है, बहुत स्मार्ट होता है, उसके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं. और वो कहाँ रहता है, वीनस के अंदर रहता है. और वो क्या, उसके अंदर एक चीज़ होती है कि मतलब वो जो कुछ करना चाहता है वो उसको कर लेता है. और अगर वो किसी सिचुएशन के अंदर फंस भी जाता है वो उससे भी अपने आप को बहुत आसानी बाहर निकाल लेता है. उसके साथ साथ निको बॉबिनस के साथ उसकी एक दोस्त हुआ करती थी रोज़ी. उसके पास भी बहुत वाइल्ड आइडियाज़ होते थे, यानी बहुत डेंजरस ख़तरनाक से आइडियाज़ हुआ करते थे. लेकिन उसको भी, रोज़ी को भी निको बॉबिनस के ऊपर पूरा भरोसा था. और उसी को ये बात पता थी कि निको बॉबिनस जो चाहता है वो कर लेता है. हमारे चैप्टर की अब लास्ट एक्सरसाइज विच इज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. सबसे पहले हमारे पास MCQs है. फर्स्ट वन इज़ निको बॉबिनस वॉज मोस्ट डैश चाइल्ड. ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. निको बॉबिनस वॉज द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड. नेक्स्ट है हमारे पास निको बॉबिनस डैश हिज टंग आउट एट द PM. निको बॉबिनस स्टक हिज टंग, कट हिज टंग, ट्विस्ट हिज टंग. निको बॉबिनस स्टक हिज टंग. थर्ड, निको बॉबिनस लिव्ड इन डैश सिटी वीनस, वेनिस, इटली, वेनिस. फोर्थ, निको बॉबिनस बेस्ट फ्रेंड नेम वॉज रोजी रेबल इजाबेल, रोजी. फिफ्थ, रोजी वॉज ऑलवेज हैविंग डैश आइडियाज, फनी, स्वीट, वाइल्ड, वाइल्ड आइडियाज. MCQ number 6, Rosie has got the buns and the dash laminate. Seven, the dog was lying dash under a garden wall, asleep, awake, ill, asleep. Eight, at the end of the street, Nico Bobinus and Rosie met neighbor, night watchman, watchman, night watchman. नेक्स्ट, डैश हैड थॉट डॉग्स डूम डेज हैज अराइव्ड. निको बॉबिनस रोजी वॉचमैन, रोजी. नेक्स्ट, निको बॉबिनस हैड डिसअपीयर्ड थ्रू द ट्रैप डोर, स्मॉल डोर, ओल्ड डोर, ट्रैप डोर. इलेवेंथ, द स्टोन स्टेप्स वर स्लिम स्लिपरी एंड स्मेल्ट ऑफ गार्डन, ग्रेवयार्ड, ऑर्चर्ड, ग्रेवयार्ड. जी, तो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज हमारे पास है. फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, री राइट दी टू वंस. अच्छा, अब मैं इसके लिए क्या करूँगी कि पूरी स्टेटमेंट मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी. जो हमारी चेंजेस हैं, जो फॉल्स स्टेटमेंट्स के अंदर जो फॉल्स चीज़ है हमारे पास, मैं उसको ट्रू करके नीचे लिख दूँगी. बाकी आपने उसको एज इट इज़ लिखना है, यानी आपने पूरा सेंटेंस कम्प्लीटली लिखना है. मैं सिर्फ आपको जो चीज़ फॉल्स है उसको ट्रू, उसका सही से लिख दूँगी. ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं. निको बॉबिनस सेड लेट्स डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैग्स, ड्रैगन्स. ये चीज़ निको बॉबिनस ने नहीं, रोजी ने कही थी. तो इसके अंदर आपने, मैंने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया रोजी. आपने पूरा लिखना होगा कि रोजी सैड लेट्स डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स. ठीक है, नेक्स्ट है यू कैन डू एनी थिंग सैड मैन. ये भी मेरे पास रोजी ने कहा था. थर्ड, निको बॉबिनस एंड रोजी हैड क्रॉस्ड टू ब्रिजेस. निको बॉबिनस एंड रोजी हैड क्रॉस्ड थ्री ब्रिजेस. आप पूरा सेंटेंस दोबारा से लिखेंगे. फोर्थ, बॉटल ऑफ वाटर स्मैश्ड अगेंस्ट द वॉल, बॉटल ऑफ लैमिनेट. नंबर फाइव स्टेटमेंट, ब्रेड हैड रोल्ड इनटू द गटर, बंस हैड रोल्ड इनटू द गटर. नेक्स्ट, मैन स्टूड ऑन रोजीज शोल्डर. निको बॉबिनस स्टूड ऑन रोजीज शोल्डर होगा. सेवेंथ, रोजी फेल्ट फाइव थिन फिंगर ऑन हिज नेक. निको बॉबिनस फेल्ट फाइव थिक फिंगर्स.
नेक्स्ट हमारे पास रोजी बैंग द डोर विद हर फिस्ट. मैन बैंग द डोर विद हिज फिस्ट. मैन ड्रैग्ड अ लार्ज न्यू स्टोन रोलर अप. निको बॉबिनस ड्रैग्ड अ लार्ज न्यू स्टोन ओल्ड स्टोन रोलर अप. नंबर 10. दिस इज ऑल योर फॉल्ट सेड रोजी. दिस वॉज सेड बाय निको बॉबिनस. इलेवन. स्टॉप सर वॉचमैन कॉल्ड आउट. निको बॉबिनस कॉल्ड आउट. लास्ट वन. द मैन वॉज डेड. द मैन वॉज ब्रीथिंग. अब आपका चैप्टर निको बॉबिनस यहाँ पर कंप्लीट हो गया है. आप सबको ये तमाम काम अपनी कॉपी पर लाजमी नोट डाउन करना है. थैंक यू सो मच.